मैं ग्रामवासियों को जो मेरे हम उम्र के हैं उनको नमस्कार, बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम और सभी को वालेकुम सलाम। मैं वार्ड नंबर 5 से सरपंच उम्मीदवार के लिए सीमा स्वामी खड़ी हूँ और इस पद के प्राप्ति के लिए मैं ये चाहती हूँ कि आप सबका मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो। जैसा कि सबको पता है कि हमारे गांव में अभी चुनावी दौर चल रहा है, उसमें हर एक उम्मीदवार अपनी अपनी समस्याओं को रख रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या है एक तो जल वाली, कि भाई जल का हमारे गांव में वितरण हो रहा है या नहीं हो रहा है। यह सही है कि गांव में लगभग सभी जगहों पर सभी गलियों में पानी आ रहा है, लेकिन जो समस्या उत्पन्न हो रही है वो समस्या हमारे गांव के अंतर्गत नहीं बल्कि आगे से जो भी हमारा कोटा हमें दिया गया है उसमें 4 क्षेत्र आते हैं। एक तो है खानपुर, दूसरा है पदमपुरा और लाडनू की जो रेलवे वाली जो है जगह उसके पहले वाली जो बस्ती है और जसवंतगढ़, इनका पानी का जो कोटा है वो एक ही रहता है, ठीक है। और इस कोटे की वजह से एक ही दिन में सभी चारों क्षेत्रों में पानी वितरण किया जाता है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में पूर्ण रूप से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसके लिए अगर मैं विजित होती हूँ तो इस समस्या को सबसे पहले रखूंगी और जो जल विभाग के जो अधिकारी है उनको ये बोलूंगी कि भाई एक हमारा जो कोटा है वो अलग से बनाए ताकि हमारे पूरे शहर के हमारे पूरे कस्बे के अंतर्गत जल का सही वितरण हो सके। है कि भाई हमारे गांव जो आ नहीं रही है उनको अलग से वो बाईपास निकल जाती है, तो इसका मुख्य इसके अंतर्गत पुलिस प्रशासन ने भी काम किया है, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मेन कारण है कि सिक्कर नोखी की जो हाईवे है उस हाईवे से ये बाईपास निकल जाती है। अभी फिलहाल में ही इस समस्या का ग्रामवासियों ने समाधान निकालने का प्रयास किया है, बखूबी से किया है और हम भी ये प्रयास करेंगे कि जो रोडवेज वगैरह है वो आगे न निकल कर बाईपास न निकल कर गांव के अंदर से निकले ताकि ग्रामवासियों को सुविधा हो सके। तीसरी तीसरी समस्या है हमारे गांव के अंतर्गत नशे प्रवृत्ति की, जो आए दिन सबसे ज्यादा नवयुवकों में देखी जाती है। तो ऐसे में हम जैसे ही उम्मीदवार के रूप में विजित होते हैं तो सबसे पहले एक संगठन बनाएंगे, नवयुवकों का ही होगा उसमें, और वो नवयुवक अलग अलग तरह के अभियान चलाएंगे और उन उस नशे प्रवृत्ति से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे। क्षेत्र के अंतर्गत जो भी कस्बे हैं, जो हमारे जैसे जो गांव हैं उनका आज राज्य स्तर पर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, चाहे स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे विकास से संबंधित हो। तो मैं ये चाहती हूँ कि आने वाले 5 सालों में मैं अपने गांव का इस तरह से विकास करूं कि वो टॉप 10 की जो कस्बे हैं उनमें उनका नाम आ सके, राज्य स्तर पे। राज्य स्तर पे उन्हें सम्मानित किया जाए। मैं चाहती हूँ कि अपने जसवंतगढ़ का नाम हो कि भाई हाँ जसवंतगढ़ भी एक ऐसा कस्बा है जहाँ के नागरिक जागरूक होकर अपने कस्बे का विकास कर रहे हैं। दूसरा दूसरा यह है कि भाई सभी ये बोलते हैं कि भाई हम सफाई के लिए व्यवस्था करवाएंगे, ठीक है, तो हम भी सफाई के लिए व्यवस्था चालू करवाएंगे, संचालित करवाएंगे, लेकिन इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी आपने देखा होगा कि हर गली में कचरा इकट्ठा रहता है। तो हम ये चाहेंगे कि हर गली के जो चौराहे पर है वहां ज्यादा नहीं हो सके तो हर गली के एक एक चौराहे पर हम डस्टबिन रखवाएंगे, ठीक है। डस्टबिन रखवा कर लोगों को ये जागरूक करेंगे कि भाई अगर आपके पास में कचरा पात्र वाला व्यक्ति नहीं आ पाता है तो आप जो कचरा है वो उस डस्टबिन में डाल, जगह पर उनकी दुर्घटनाएं हो रही है किसी वाहन की वजह से। तो हम ये चाहेंगे कि साल में एक बार लर्निंग लाइसेंस की जो कैंप होता है उस कैंप को अपने जिसमें ये निर्धारित किया जाएगा कि किस बच्चे के पास में लाइसेंस है या नहीं है, अगर वो बालिक है तो उन्हें लाइसेंस अवेलेबल करवाएंगे।